बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, पंजाब भर में इस वक्त गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स की भरमार है। जगह जगह हमने देखा है कि लोग अपने तौर पर मेडिकल स्टोर्स खोल कर बैठे हैं, लेकिन ड्रग्स इंस्पेक्टर सबसे कहीं ना कहीं डील करके खामोश हो जाते हैं और ये कारोबार चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम ड्रग्स माफिया पर बात करेंगे और जाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि डीजी फार्मास्यूटिकल या डीजी ड्रग्स कंट्रोलर को भी हम अपने साथ टेलीफोन लाइन पर लें। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ नदीम अब्बास हैं, ये हमारे वॉइस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। ये ड्रग्स की ही ज़्यादातर बीट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होती है और रिसर्च भी है। नदीम अब्बास, क्या कहेंगे पाकिस्तान कहेंगे पाकिस्तान के अंदर तो गैर कानूनी जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी भरमार है, तरह तरह की मेडिसिन हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन जो बिल के ऊपर जा किसी पर्ची के ऊपर लोग जाके अद्वियात खरीदते हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। क्या कहेंगे किस बुनियाद के ऊपर ये जो ड्रग्स माफिया है वो इतना बेलगाम हुआ हुआ है? देखिए जी, ये तकरीबन पंजाब का तो तकरीबन तर जो सिस्टम है ये बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। ये ड्रग माफिया का सिस्टम है टोटल। अभी आप देख लें कि जगह जगह लाहौर की गली गली में नशई हजरात बैठे हुए हैं, इंजेक्शन लेके बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे घर के लड़के बैठे हुए हैं, उनको कौन ये जो है कि वो प्रोवाइड करते हैं? ये यही जो मेडिकल स्टोर बने हुए हैं हमारी, ये तमाम तर जो हॉस्पिटल्स हैं, ये लाहौर की सर्विस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, इनके जो बाहर मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, जब उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जो उन पर ड्रग इंस्पेक्टर्स हजरात की मंथलियां लगी हुई होंगी, तो वो तो इनको देंगे, वो तो इन हजरात को जो है कि ये इंजेक्शंस भी देंगे उनको, उनको ये जो और नशावर। अच्छा, ये मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेडिकल स्टोर्स हैं और छोटी छोटी दुकानों में है। एक तो मुझे बताएं इसको लाइसेंस किस तरह मिलता है और किस कैटेगरी के तहत और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है तब जाकर इनको लाइसेंस मिलता है? देखें जी, ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया है। ये जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसी है, इसकी मेन जो है कि 8 बड़ी जो है कि कंडीशन ऑफ लाइसेंस होती है, वो जो है फॉलो करनी बहुत ही इनके लिए ज़रूरी होता है। आजकल इन्होंने इतना सिस्टम गिरा दिया कि रिक्शों के पीछे इन्होंने फ्लेक्सेस लगा के जाती मेडिकल स्टोर है, इस तरह का इन्होंने वो हाँ, सिस्टम। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा खोल के बैठा है जी, आप मेडिकल स्टोर का कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें, मतलब इतना प्रॉफिटेबल कारोबार बन चुका है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर्स रात की मंथलियां लगी हुई है। मेडिकल स्टोर जो है उसका प्रॉपर एक रकबा होता है, उसके जो प्रॉपर है उसके अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए। अच्छा, पहले जरा बात पूरी करें, जो क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तब जाकर आपको एक NOC मिलता है? देखिए जी, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो, उसकी जो डिग्री हो वो गवर्नमेंट से अलहाकशुदा हो, और दूसरी बात कि वो बंदा जो है कि वो अगर लाहौर में मेडिकल स्टोर है तो उसकी लाहौर की रिहायश वहां पे जो है कि वो मौजूद हो, कि लाहौर का रिहायशी हो, क्योंकि वो जितनी देर के लिए मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खुली है उसको वहां पे मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात, ये चीज ड्रग इंस्पेक्टर हजरात को चेक करनी होती है कि वो जो उसका फार्मासिस्ट मौजूद है, उसकी जो डिग्री है, क्या वो सिर्फ उसी जगह पर है या कहीं कोई और भी वो जॉब कर रहा है, या कोई रेंटल डिग्री है, कोई और बंदा खड़ा है। उसके बाद जो चीज होती है कि वो जो लाइसेंस होता है इनका बी कैटेगरी का, क्या वो चिस्पा है वहां पर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में। उसके बाद उसने मेन चीज की मेडिसिन है, वो इंसानी जान बचाने के लिए होती है ना कि इंसानी जान लेने के लिए। वहां पे उनको ये चीज देखना होता है कि अंदर डस्ट या कोई ऐसे जिस तरह ये चींटियां होती हैं, इस तरह की चीजें तो मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ तो दरवाजे खुले होते हैं, मक्खियां फिर रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, गर्मी है सर्दी है हर मौसम के अंदर आप बिल्कुल, ये मेन रोड है ना, और डस्ट पड़ेगी इसके ऊपर और कोई निगरानी नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे जी, ये जितने भी हॉस्पिटल्स के बाहर अगर आप चक्कर लगाएं देखें तो वहाँ पे जो स्टोर है वो तो वर्कशॉप टाइप बने हुए हैं। अच्छा। और जिस तरह वर्कशॉप होती है वैसे स्टोर बने हुए हैं, और कोई वो जान बचाने से की बजाय वो जान लेने लग रहे हैं, लेकिन लेने लग पड़े हैं। मुझे ये बताइएगा, ये वाला जो फुटेज मैं देख रहा हूँ ये मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, हमारे जो दुनिया के पावरफुल मुल्क हैं उसमें अमेरिका का शुमार होता है, वहाँ पर रोड्स के ऊपर इसी तरह लोग नशा कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बेचारे झूम रहे होते हैं। तो ये हालात अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, बल्कि पिछले कई अर्सों से देख रहे हैं, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है रुझान। देखें जी, ये जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे मेन ये एक एवल का इंजेक्शन है और दूसरा ये वो लिंकोसीन है, ये ज्यादातर ये नशीले हजरात जो है कि ये अपने आप को अपनी वेन में लगाते हैं। तो ये जो है कि इनको बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में वैसे तो इसकी 10-15 रुपए कीमत है, लेकिन ये 150 से 200 रुपए का जो है कि इंजेक्शन इन नशियों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये कौन सी कंपनियां बना रही हैं और ये किस लिए बनता है, पहले तो ये मुझे बताइए कि ये क्या मेडिसिन में यूज होता है? देखिए जी, ये जो एवल इंजेक्शन
सिलेक्शन है ये सिर्फ उस टाइम यूज होता है कि कोई अगर कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, उसको कोई ज्यादा पेन हो रही है, थोड़ी देर के लिए उसको अगर वो पेन से हटके उसको थोड़ी सी रिलैक्स चाहिए, रिलैक्समेंट चाहिए, तो वो तब उसको जाके एवल इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये एवल इंजेक्शन जो है, ये नशीली अज़रात जब ज्यादा क्वांटिटी में खुद को लगाते हैं, जिस तरह एक शरबत था ब्रोनोकॉल, खांसी का शरबत था, तो वो ज्यादा, वो भी एक नशे में आ जाता है, वो ज्यादा पूरा का पूरा शरबत जो नींद आ जाती है, गनूदगी सी तारी हो जाती है। तो ये जो है कि ये इस तरह के ये हैं, और ये इस्तेमाल करके तो खुद जो है ना वो उनको। अच्छा, ये मुझे पहले बताइएगा, हम जनरल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, जितने बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, पंजाब भर से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, क्या मुमकिन नहीं है कि जितने इनके अपने अंदर स्टोर बने हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ से ही ये मेडिसिन मिली और सिर्फ सरकारी सतह पर ये मुहैया की जा सके? देखिए जी, जितनी सरकारी सतह पर, तो हमारा जो सरकारी कोटा है वो तो बहुत ज़्यादा है और आ भी रही है, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन जो मेडिसिन है वो अंदर से ही चोरी होकर बाहर मेडिकल स्टोर पर सेल होती है। नहीं, ये जो आप इंजेक्शन की बात कर रहे हैं एवियल, ये इंजेक्शन एवियल कहाँ से मिलता है और कौन सी कंपनी बना रही है और प्रोवाइड कैसे करते हैं इनको? कोई लाइसेंस तो होगा उनके पास और कोई क्वांटिटी तो होगी, इतनी क्वांटिटी में हम लोग इन हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल ये मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, और ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन की एक मिकदार जो है कि एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वाले को दी जाती है, ठीक है, और जब उसने सेल करना है, उसकी ये ड्यूटी और कंडीशन ऑफ लाइसेंस में शामिल है कि जब उसने सेल करना है तो उसने सबसे पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, ठीक है, कि किस डॉक्टर ने इस मरीज को इतनी क्वांटिटी में यह लिख के दिया है, और वो जो प्रूफ है अपने रजिस्टर्ड में नोट करना है और वो प्रिस्क्रिप्शन साथ अटैच करनी है, ठीक है। ये ड्यूटी आ जाती है आगे ड्रग इंस्पेक्टर ने, उसने आके आगे चेक करना है कि अगर आपने 100 वो जो इंजेक्शन मंगवाए थे आपने, ये एवल के या टोराडोल के, वो भी इसी में आता है, वो इंजेक्शन 100 आए थे, तो वो 100 इंजेक्शन आपने कहां इस्तेमाल किए, किन मरीजों पे इस्तेमाल किए, इस्तेमाल किए। अब बात है कि हमारे लाहौर के अंदर लोहारी एक मार्केट है, वहां पे तो ये आपको धड़ाधड़ मिल जाएंगे। ये शादरे के या शेखुपुरा वाली साइड पे आप जाएं तो वहां पे सरेआम फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जिस तरह वो कोई निमको बना रहे हैं उसी तरह इसे धड़ाधड़ ये इंजेक्शन बने जा रहे हैं। अच्छा, अब यही सवाल आता है कि ये जो ड्रग्स इंस्पेक्टर और ये ड्रग्स कंट्रोलर, ये डीजी और चीफ साहब, ये दोनों, इनकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए जी, जहाँ पे बात आ जाती है ड्रग इंस्पेक्टर की, इनके ऊपर जो है वो चीफ ड्रग कंट्रोलर होता है, और उसके बाद जो है कि वो डीजी ड्रग कंट्रोल होता है। इनकी ये जिम्मेदारी होती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है इसने एक मेडिकल स्टोर जो है या फार्मेसी है जो इसको एरिया दिया जाता है, वहाँ पे जाके उसने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, इंस्पेक्शन करनी होती है वहाँ पे, इसने सबसे पहले वहाँ पे आके उनका रजिस्टर चेक करना होता है, और इनके एक मेडिकल स्टोर पे एक रजिस्टर पड़ा होता है जहाँ पे जाके ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी अटेंडेंस लगानी होती है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, इतनी मैंने इंस्पेक्शन की है, ये चीज, ये कंडीशन ऑफ लाइसेंस के साथ ये फॉलो कर रहे थे के तहत, और ये चीज फॉलो नहीं कर रहे थे, और ये इनको मैंने जो है कि इनकी मैंने फाइन किया है, या जो भी कार्रवाई होती है वो वहां पे लिखता है, और उसके बाद मेन चीज वहां पे जो चेक की जाती है वो ये की जाती है कि वहां पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद है या नहीं है। सर, जहां पे क्वालिफाइड पर्सन ही नहीं मौजूद, एक स्वीपर जो है कि वो मेडिसिन सेल कर रहा है, एक स्वीपर ही आप जाके वहां पे बताएं कि मुझे ये मर्ज है, वही स्वीपर डॉक्टर बन जाए, और वही स्वीपर जो है कि वो आपको मेडिसिन दे वहां पे उठा के। नहीं, फिर नदीम बास, ये फिर हमें पब्लिक की भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करना चाहिए कि जितने दही इलाके हैं, कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहां पर तो गली मोहल्लों में ही मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और सरेआम हर चीज़ बिक रही है, हर तरह की मेडिसिन बिक रही है। तो आप ये कहते हैं कि मेडिकल स्टोर के ऊपर एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही मेडिकल स्टोर से ही लोगों परचेज कर सकते हैं मेडिसिन, इस तरह डायरेक्टली कोई भी जाके, ऐसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा लोग जाते हैं जी सर दर्द की गोली दे दें, मुझे यहाँ पेन हो रही है उसके लिए मेडिसिन दे दें, तो वो दे रहे होते हैं। देखिए जी, ये मेन जो काम है ये है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का। अच्छा, क्योंकि गली गली में अताई बैठा हुआ, उसने जब बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है कि फलां डॉक्टर फलां फलां साहब, और मेन बात आपको मैं बताऊं कि एक डॉक्टर हजरात के कम से कम 30 से 40 बोर्ड लगे होते हैं, और वो उस बोर्ड के तकरीबन कोई 25,000 से 30,000 मंथली लेता है उन अताइयों से। अच्छा। अब अताई ने बैठ के वहां पे कारोबार करना है, अताई ने बैठ के वहां पे प्रॉपर। अच्छा, मैंने देखा मुमन अताइयों ने एक ही तरह की सिरप रखी होती है और मेडिसिन रखी होती है, वही सारे मरीजों को वो देते जा रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब ही होती जा रही होती, लोग आ रहे होते हैं। देखिए जी, लाहौर में एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद है जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो उस डॉक्टर के पास एक प्याले में एक इंजेक्शन पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो हर आने वाले मरीज को वो एक इंजेक्शन से इंजेक्शन, मतलब बड़े पहुंची सरकार है, उनके हाथ में इतनी शफा है, लोगों को शफात हो रही है, यहाँ पे तो लोगों को इंजेक्शन लड़ जाते हैं।
देखें ये जो एक चीज है, ये जो मेडिसन हैं, ये इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। इतनी अमवात हो रही है, देखिए सरकारी अस्पतालों में 10% दवाई दी जा रही है, पता नहीं 90% कहाँ जा रही है। 10% मेडिसिन मिल रही है, 90% लिख के देते हैं जी, जाए बाहर मेडिकल स्टोरों पे, डॉक्टर्स रात की मंथलियां लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो जाली होती है और असली अद्वियात, इनमें फर्क कैसे होता है? मैंने देखा बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर तो हमें ये कम अज कम श्योरिटी होती है कि यहाँ पर असली अद्वियात होंगी, तो जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर हैं, इसलिए आवाम आप हम रहनमाई करें कि उसे आपने बिल्कुल परचेजिंग नहीं करनी, किसी किस्म की कोई अद्वियात आपने नहीं खरीदनी। बिल्कुल ऐसे छोटे स्टोर से बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। इनकी मैं मेन आपको वजह बता दूं कि ये जैली अद्वियात कब सेल होना रुकेंगी या इनको रोकने के लिए क्या पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बना दी है, वो यही पॉलिसी है कि अगर एक मेडिकल स्टोर पे ऑल ओवर जितनी भी मेडिसिन पड़ी है उसकी 1000 क्वांटिटी है, तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम ही यही है कि वहां पे जाए, वहां पे जाके उससे पूछे कि हाँ जी भाई किस किस जो है कि कंपनी से आप मेडिसिन ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया यार, एक हजारों की तादाद में मेडिकल स्टोर्स हैं और कितने इंस्पेक्टर्स फील्ड में होंगे, वो एक दिन में कितने मेडिकल स्टोर्स पे ऊपर विजिट कर सकता है? देखिए ये इनको इलाका दिया गया हुआ है हर ड्रग इंस्पेक्टर को, और उस इलाके में उसकी फील्ड और उसकी जो है कि सर्विस के मुताबिक, ठीक है, मतलब जिस एरिया में ये ड्रग्स फरोख्त हो रही है तो उस इंस्पेक्टर को पकड़ा जाए, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि हम जहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो नाज़िर कहेंगे तो मोहम्मद सहेल साहब हैं डीजी ड्रग्स कंट्रोलर, उनसे हम रब्ता करते हैं और उनका मौका जानने की कोशिश करते हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हम चाह रहे थे कि जो चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं और डीजी ड्रग्स कंट्रोलर मोहम्मद सहेल साहब, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। उन्होंने टाइम भी दिया, उन्होंने कहा जी मैं 10 मिनट बाद आपको ज्वाइन करता हूं, लेकिन अभी उन्होंने फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की, तो हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम उनका भी मौक़िफ़ लेते और वो जो भी उनके सामने उनके इसके सवालात के जवाब आते आते वो नाज़रीन तक पहुँचते, लेकिन शायद उनके पास हमारे सवालात के जवाब नहीं थे। तो बहरहाल मैं प्रोग्राम को जारी रखता हूँ। नदीम बास क्या कहेंगे, इस वक्त पंजाब भर के अंदर हज़ारों मेडिकल स्टोर्स होंगे, क्या सभी का रिकॉर्ड इनके पास होता है, और जो हेल्थ केयर कमीशन है इसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए जी, ये जो एक इनकी इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे निकलती है, उनको जो मेन अब जो हैंडल कर रहा है वो है फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर हजरात जो है। अच्छा, ये विफाक से होता है? जी ठीक है, ये फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। और जो दूसरी है इनकी, जिस तरह मेडिकल स्टोर और फार्मेसियां आ गए जहाँ पे सेल्स का काम शुरू हो गया, उनको है इनके जो ये प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स रात हैं वो डील करते हैं। ठीक है। अब बात आ जाए अगर फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स रात की, जहाँ के ये इंडस्ट्रीज इनकी है बड़ी जहाँ पे मेडिसिन बनती है और जहाँ पे वहां पे भी इनकी चेक एंड बैलेंस और क्वालिटी चेक की जाती है, तो वो अगर ये क्वालिटी चेक करना शुरू कर दें या चेक एंड बैलेंस स्टार्ट कर दें कि कितनी मेडिसिन एक इंडस्ट्री में तैयार हुई है और वहां से कितनी कहां कहां किस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत गई है, मतलब पूरा रिकॉर्ड मिल सकता है, रिकॉर्ड मिल सकता है, तो वहां पे जो है कि आपकी ये जेली मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल सेल होना भी खत्म हो जाएगी। मतलब जब डिमांड नहीं होगी तो बनाने वाले फिर किसको फरोख्त करेंगे, वो फैक्ट्रियां बंद ही करेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ज्यादातर कौन सी मेडिसिन है जो जाली तैयार हो रही है? देखिए ज्यादातर जेली मेडिसिन जो ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो यही है जो नशावर अद्वियात है। अच्छा। ये बहुत ज्यादा तैयार हो रही है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है? दो चीजें, इनमें एक चीज ये कि इनमें मार्जिन ज्यादा है और दूसरी बात ये है कि इनको लेने वाले जो हैं कि वो ऑलरेडी अपने दिमाग से आधे खोए हुए होते हैं। उनको वो कहीं जाके बताने वाले होते ही नहीं, वो बस पकड़ते हैं और जाके इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप जैसा आदमी भी होगा, जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो खरीदेगा, वो बताएगा मैंने कहाँ से खरीदा है। बिल्कुल, ये तो कभी नहीं, बल्कि हम इनको पकड़ेंगे भी तो आप कुछ इनको एक दो इंजेक्शन का लालच देंगे, वो फिर आपको बताएंगे कि मैंने किस मेडिकल स्टोर से खरीदा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो चीजें, ये ज्यादातर ऐसी जो नशावर अद्वियात है, ये जेली ज्यादातर धड़ाधड़ हालांकि जो नशावर अद्वियात हैं जो जिन जो ये मेडिकल स्टोर पे होती हैं, जो मखसूस जिनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इनका चेक एंड बैलेंस होता है। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले एक याद है आपको एफिडरीन का केस आया था और उसके ऊपर हमारे एक सियासी शख्सियत को सजा भी हुई थी। ये कितना बड़ा धंधा है और इसके अंदर ये जो मेडिसिन के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये कितना जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता? देखें जी, इनके बगैर बिल्कुल गुजारा होता है अगर हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं कि वो अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह करनी शुरू करें। अच्छा,
अगर वो पेशेंट को एक सीरियस पेशेंट लेके अपनी ड्यूटीज के दौरान उसको अगर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल में इन ये जो मेडिसन्स हैं इन मेडिसन्स के बगैर भी गुजारा हो सकता है और सिस्टम चल सकता है। लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं कि वो जब अपनी हड हरामी पे उतर आते हैं, मैंने देखा है बहुत से डॉक्टर लाहौर के अंदर भी, बाहर की बात तो अभी आप छोड़ दें, लाहौर के अंदर तकरीबन 100 में से 80% जो सरकारी डॉक्टर है उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं। ठीक है, और जब अगर वो इस तरह की मेडिसिन अगर बंद करवा दे तो उनको प्राइवेट क्लिनिक का धंधा कहाँ चल सके। ठीक हो गया, सरकारी डॉक्टर को एक सतह पर जो है कि वो प्राइवेट क्लिनिक अलाउ होती है, वो ये होती है कि वो उसी अपनी हॉस्पिटल के प्रेमसेस के अंदर जो उसको जगह मिली होती है उसी प्रेमसेस के अंदर वो जो क्लिनिक खोल सकता है। और उसके भी ये होता है कि फिर वो जो गवर्नमेंट का अलाउंस वगैरह मिलता है वो उसका बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो प्राइवेट इस जगह पे उन्होंने क्लिनिक बनाए हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल नहीं, बना तो नहीं सकते। मैंने नदीम बास कोई ऐसा बंदा या ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो अपनी डबल ड्यूटी नहीं कर रहा, वो कहता है मेरा गुजारा नहीं होता, वो सरकारी जॉब करके सेकंड टाइम फिर उसने अपना मेडिकल स्टोर खोलना होता है या मेडिकल जो उनको क्लिनिक बनाया होता है वहाँ पर वो बैठते हैं और अपना टाइम कहते हैं जी हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा राइट बनता है हम प्राइवेट सतह पर लोगों को देखें और हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट और उनकी जो सर्विस लॉ होता है उस सर्विस लॉ के मुताबिक तो उनका राइट नहीं है। अच्छा, सर्विस लॉ के मुताबिक सिर्फ वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, एक सूरत में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, वो भी उसी हॉस्पिटल की जहाँ पे उसको रैश मिली है उसकी डोमेन में। ठीक है, और दो बातें, एक ये कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस उसी डोमेन में कर सकता है और दूसरी बात ये है कि वो जो है कि प्रॉपरली तौर पे उसका रिकॉर्ड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में होगा। ठीक है, उस प्राइवेट क्लिनिक का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और उसको जो सरकारी मरात मिलती है, जो उसको सरकारी तौर पर अलाउंस मिलता है वो कट हो जाता है। और दूसरी बात कि जितना भी वो प्राइवेट क्लिनिक से कमाता है उसका 50% वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अच्छा, जमा करवाने का पाबंद है? पाबंद है, लेकिन वो अपनी जेब में डाल रहे हैं और पता नहीं फिर हिस्सा किन को देते होंगे, किसी ना किसी बंदे को हिस्सा पहुंचा रहे होंगे तभी या वो आंखें बंद किए रखते हैं। सर देखें क्या होता है कि जो जिन जिन एरियाज में, एक मैंने तो देखा है कि एक सरकारी डॉक्टर सिर्फ एक प्राइवेट क्लिनिक नहीं, पांच पांच छह छह प्राइवेट क्लिनिकों पे जाकर टाइम देते हैं। ठीक है, और उन इलाकों के जो DDHOs होते हैं या मुतल्लिका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम होती है, जो इंस्पेक्शन टीम होती है, उनको ये देते हैं। और दूसरी मेन बड़ी बात कि अब बात आ गई कि एक डॉक्टर है कसूर का डॉक्टर, AMS साहब हैं। अब AMS की ड्यूटी जो होती है वो एडमन की ड्यूटी होती है और एडमन जो होता है वो 24 आवर्स होता है। एडमन 24 आवर्स होता है, उसने सोना भी उधर ही है, उसने उठना भी उधर ही है। अच्छा, उसने काम ही उधर कर रहा है। टफ जॉब है, आगे से टफ जॉब है। ठीक है, एडमन की। अब बात आ गई जी, वो साहब क्या करते हैं, AMS कसूर बाबा बुल्ले शाह जो हॉस्पिटल है उसके जो है वो इस तरह करते हैं, वहां से उठते हैं, साथ ही चंद कदम पर एक हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे बैठ के अपनी ड्यूटी देते हैं। उन्होंने बाहर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड चश्मा करवाया हुआ अपने नाम का। तो इस तरह, और मेन बड़ी बात कि जब इनके मेन एडमन नहीं तो हॉस्पिटल का चेक एंड बैलेंस रखना होता है, एक सरकारी हॉस्पिटल का एडमन खुद बाहर जाके अगर जॉब करेगा तो उसके डॉक्टर्स बताएं कि किस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने कल बताई थी कि जो कसूर में मेडिसिन तैयार हो रही है वो लाहौर में नहीं आ सकती, तो इसके लिए क्या तरीका का अपनाया जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इस वक्त लाहौर के जितने एरिया है वहाँ पर बन रही हैं और वहीं पे मेडिसिन बन रही हैं, तो उन्होंने पंजाब भर में सप्लाई करनी होती है? देखें जी, यही बड़ी बात है, जैली अद्वियात क्यों जो है कि वो सेल होती है और जैली अद्वियात सर्कल करने का मकसद ही इनका यही है कि इन्होंने जो एरियाज हैं एरियाज में घुसना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं सर, मतलब ये उनकी डोमेन नहीं है, ठीक है, ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक इलाका दिया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूटर को कि आपने अगर कसूर का है तो वो सिर्फ कसूर के अंदर ही मेडिसिन दे सकता है। ठीक है, कसूर वाला डिस्ट्रीब्यूटर लाहौर के अंदर कतन नहीं दे सकता। हमने लास्ट टाइम ड्रग इंस्पेक्टर से भी रब्ता किया था, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कसूर की मेडिसिन लाहौर में आ रही है और जब हमने उनसे रब्ता किया कि इस तरह आ रही है तो उन्होंने टाइम दे के वो वहां पे इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया। ठीक है, तो जब कसूर की मेडिसिन लाहौर में आएगी तो सर ये बताएं कि लाहौर वाले डिस्ट्रीब्यूटर का या मेडिकल स्टोर का क्या चेक एंड बैलेंस रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है मेडिकल स्टोर। अच्छा, चलें आखिरी एक मिनट रह गया, मुझे बताएं सबसे ज्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, एक तो इंसुलिन मैंने देखा है लोगों को, शुगर के ज्यादातर पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ब्लड प्रेशर के लोग जो BP की गोलियां खा रहे हैं और ये रूटीन में खाते हैं, मैंने ये देखा लोग खुराक उस तरह नहीं खाते जिस तरह वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये डॉक्टरों ने लिख लिख के लोगों को अद्वियात के ऊपर लगा दिया हुआ है नशे की हद तक,
तो आप समझते हैं कि ये कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, इसीलिए लोगों ने बार बार इश्तिहारात लगाए हैं रक्षे पे और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कि आप मेडिकल स्टोर खोलें और कारोबार करें। देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम एक बात को लें कि आज से अगर 20 से 25 साल 30 साल पहले चले जाएं, तो आपने देखा होगा कि तब जो है कि ये आजकल जिस तरह ये डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन हो रहे हैं, ये पहले नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अब ऑपरेशन क्यों, नॉर्मल डिलीवरीज हो रही थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, अब ऑपरेशन इसीलिए हो रहे हैं कि जो गायनी डॉक्टर्स रात बैठी हुई हैं, ये जब एक पेशेंट इनके पास चेकअप के लिए जाता है तो ये मेडिसिन ही वही देते हैं कि वो ऑपरेशन पे मरीज मजबूर हो जाता है। अच्छा अच्छा, बड़ी जबरदस्त निशानदेही की। और इस वक्त ज्यादातर लोग इसी तरह मजबूर हो चुके हैं कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको वो जो कुदरती तरीका है उसको नहीं अपनाना पड़ता, वो नेचुरल तरीके से नहीं बताया जाती, फिर उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो उनको 10-15 दिन बाद का दोबारा लिख के देते हैं कि आपने चेकअप करवाना है, फिर वो दोबारा आते हैं, फिर वैसी मेडिसिन देते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। और इसी तरह ये डॉक्टर्स रात इस तरह की मेडिसिन उनको देते हैं, जिस तरह ये ब्लड प्रेशर या शुगर के या इस तरह के जो मरीज हैं कि वो उन मेडिसिन की मजबूरी बन जाती है। चलिए नदीम बास, आपका बहुत शुक्रिया। नाजी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स माफिया है वो कंट्रोल से बाहर चुका है, वो अपने कारोबार करने के लिए समझ लें कि शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लोग ज़्यादातर मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको लिख कर दी होती हैं, और हम लोग डॉक्टर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और उनके ऊपर आंखें बंद करके एतबार करते हैं और वो मेडिसिन लिखते जाते हैं। हम मेडिकल स्टोर से ख़रीद रहे हैं लेकिन इसकी मद में उनको कमीशन मिल रहा है और उनका कारोबार चल रहा है। आज के प्रोग्राम से इतनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सर,